हेलो एवरीवन, जब से मैं आई हूँ तब से इस वाले घर की छत पे नहीं आई थी मैं, आज आई हूँ। ये हमारा कारखाने वाला घर का छत है, यहाँ से करवा चौथ पे उन्हें बोले चांद बहुत जल्दी दिखता है, उस वाले घर से जल्दी नहीं दिखता पर यहाँ से बहुत जल्दी चांद दिखता है। तो ये है मेरी कारखाने की छत, ये नीचे कारखाना है वहाँ पर, ये उसकी वाली छत है। वो उधर वाला दूसरा है, वो झंडा दिख रहा है वो दूसरा वाला घर है। तो यहाँ पे सोच रही हूँ एक आध ही बना लूँ, इसलिए आई थी मैं कल, भाई परसों की मेरी टिकट है, मैं चली जाऊँगी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो यहाँ पर हम आए हैं अपने भतीजे के साथ, खेत देख रहे हैं कहाँ से कहाँ तक हैं। ये बम्बा है ना, यहाँ बम्बा के साइड में ही है, वही हम बात कर रहे हैं कि यहाँ की कीमत तो अच्छी खासी होगी क्योंकि दिव्यापुर रोड है। और यहाँ पे ये बम्बा में सामान सिरा रहे हैं, पूजा का ओपनिंग का, जो पूजा का हवन का था ना वो सिरवा दिया है। यहाँ से घर ज़्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 15 मिनट भी नहीं लगेंगे। पूजा का सामान सिरा दिया, फिर मैं बोला इतना जगह नहीं है जितनी इसकी कीमत बता दी गई भैया। वही आज मुझे मालूम पड़ा, ऐसा इसमें है क्या जो इतना पब्लिक पागल हो गई थी इसमें, रोड की वजह से ना। चलो, जो शिवानी सिंह आजकल खूब वायरल चल रही है, बड़ी मेहनत से आगे बढ़ी है। इसी रोड पे ये गांव है अरियारी करके, दिव्यापुर रोड है ये, जहाँ मैं रहती हूँ वहीं पे, यानी कि मेरी पड़ोसन है, हम लोग एक ही कस्बा के हैं, मतलब पास के ही हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। पता नहीं मम्मी के दर भी एक तो एक घर हो तो ढूंढ लूँ। आज है इतवार, मैं अभी जस्ट आई हूँ, पूजा का सामान था उसको सिराने गई थी, बतिया जा रहा था तो मैं भी चली गई साथ में। मम्मी बोली चली जाओ तुम भी, खेत देख लेना वहीं पे। मैं पहली बार देखी, इसके पहले मैं एक भी बार नहीं देखी। और मेरी हो गई तैयारी जाने की, बस अभी पैकिंग वगैरह करूँगी जाके, आज का ही दिन है, बहुत बिजी है, एक दो जगह जाना भी है, एक दो लोग बुला गए हैं तो उनसे मिलने भी जाना है और फिर लगना है पैकिंग सेकिंग में। अभी देखो मेरी मम्मी सिरी किधर है, इधर इधर भी देख लिया, उधर भी देख के आई, अभी मैं उधर जा रही हूँ, शायद वहाँ होंगी। ला है मम्मी, ओ मम्मी कब से ढूंढ रही हूँ तुम यहाँ हो, धूप आएगी मम्मी। अरे तुम यहाँ ना, हम कब से ढूंढ रहे तुम्हें, सबसे ढूंढ रहे रखी हैं ब्रेड पर, ठंडे हो रही हैं कटलेस ब्रेड, कपड़ा धो रहे हैं। हाँ तो क्या कह रहे थे? तो पता नहीं, तो एक का कुछ कोई काम पता का नहीं, कोई पता का नहीं रखा, तो पता नहीं, पता नहीं, अब फिर हमने की फिर वही तुम का तो बहुत जल्दी पति से फ्लाइट से। मम्मी इधर थी कारखाने वाली छत पे, इधर समर लगा है ना तो यहीं कपड़े धो रही थी, पानी नहीं आया ना इसकी वजह से। यहाँ भाभी श्री ने मेरी बना दिया है नाश्ता, तो वही कर रही हूँ, सुबह का टाइम है, पकौड़ी और चटनी। आइए आप लोग भी कर लीजिए और फिर मुझे पैकिंग वगैरह भी करनी है क्योंकि आज ही मुझे निकलना है मुंबई के लिए, तब गाँव के ब्लॉग जल्दी नहीं मिलेंगे, ये बस लास्ट है शायद, एक और मिलेगा मुश्किल से, बस फिर नहीं मिलेंगे, फिर मुंबई के मिलेंगे। अभी हम लोग आए हैं मार्केट शॉपिंग करने आए हैं, मम्मी नहीं आई, भाभी आई हैं क्योंकि हम लोग जा रहे हैं, तो कपड़े वगैरह दिलाने के लिए भेजा है मम्मी ने कि जाओ अपनी अपनी पसंद के खरीद लो सब लोग। सबसे बड़ा काम है भैया कपड़ा चॉइस आ जाए, अगर जल्दी एक ही दुकान पे आ गए तो बहुत बड़ी बात है। एक घंटा के ऊपर हो गया यहीं बैठे बैठे, अभी तो सब बाकी है। हम जब मार्केट कपड़े लेने जाएं और हमें अगर कपड़ा पसंद आ जाए और फिर उस कपड़े को सभी लोग पसंद कर ले तो ठीक है, और किसी ने बोल दिया ना कि अच्छा नहीं लग रहा, फिर पता है मन उतर जाता है उससे ना, फिर लगता नहीं मैं नहीं लूँगी भले भी अच्छा लग रहा हो। हम आपके पास प्लाजो ले गए थे एक्स्ट्रा, एक ऐसी प्लाजो, कोई भी प्लाजो है
यहाँ पर चल रही है पैकिंग, भाभी कर रही है मेरी साड़ी फोल्ड। बहुत कपड़े हो गए, आ नहीं रहे सूटकेस मेरे। ये छोटा सा सूटकेस मेरा नहीं है, ये तो गौरी का है, मेरा तो बड़ा है। अपनी माता रानी, माता रानी उठा लें, चलो माता रानी करें। इतने दिन आप पूछ गई, स्टैंड ही नहीं मिल रहा हमें। जब मैं आई थी तभी कुलदेवी मंदिर गई थी, तब से मैंने मूर्ति ना सूटकेस में नहीं रखी थी, घर के मंदिर में रख दी। डेली पूजा होती रही, अब जा रही हूँ तो उठा के रख लूँ, नहीं तो भूल जाऊँ मैं। एक महीना पूज गई माता रानी मेरी, ये मेरी मैया रानी। अब इन्हें हम अपने घर ले जा रही, मंदिर में रखी है, जाए कि कहाँ रख लें। ये चुन्नी है, कैसे कपड़े फैला के रखे हैं पूरे रूम में, सूटकेस कपड़े। बहुत भयंकर रूम की दशा हो रही है। लगा लूँ सारे सामान एक एक करके, ना कुछ छूट जाए, छूट भी जाए कोई टेंशन नहीं, मायके में है, कहाँ जाएगा। तो अभी मैं इस ब्लॉग का एंड करती हूँ, आप लोगों को अगले ब्लॉग में मिलूँगी। अच्छा लगा वो वीडियो से लाइक ज़रूर कर देना। हेलो एवरीवन, हम लोग पैकिंग करें।